हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारी है वो इसके ऊपर है कि इन्होंने बालों में रिबॉन्डिंग कराई थी और रिबॉन्डिंग के बाद जो है बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उसको आप दोबारा से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हम करेंगे इनका हेड वॉश। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कर रहे हैं हम हेड वॉश, क्योंकि इन्होंने कल ही हेड वॉश किया था तो इसलिए ज़्यादा नीड नहीं है बालों में हेड वॉश की। बाल बहुत ज़्यादा जो है इनके गंदे नहीं हो रहे हैं, डस्ट वगैरह नहीं है बालों में, ऑयल नहीं है, तो इसलिए हम एक ही बार वॉश कर रहे हैं शैम्पू लगा के। और इसके बाद हमें बालों में कंडीशनर नहीं लगाना है। तो इसके बाद हम बालों में क्या लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हेड वॉश हो चुका है। इसके बाद हल्का सा हम बालों में ड्रायर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गीले बालों में ही हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो हल्का सा ठंडे ड्रायर से हम बालों को सुखाएंगे। ये हल्का सा बालों को हम सुखा लेंगे ताकि पानी जो है बहुत ज़्यादा बालों से टपके नहीं नीचे, बाकी बालों को गीले ही रहने देंगे, क्योंकि गीले बालों में ही हमें हमारा प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो पहले हम बाल सुखा लेते हैं, प्रोडक्ट के कारण ऐसे ही रखना। ये सबसे पहले जो है हमने बालों में कॉम करके हल्का सा और फोर पार्टीशन कर ली हैं, ईयर टू ईयर, और ये पीछे की तरफ दो पार्टीशन, इस तरफ और ये इस तरफ। बालों में आपको क्लेचर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बालों में रिबॉन्डिंग हुई हुई है तो इसलिए हम बालों को जस्ट ऐसे ही पार्टीशन देके और ऐसे थोड़े थोड़े से बिल्कुल ज़रा ज़रा से बाल लेंगे। और इसके बाद हम बालों में लगाएंगे कैरेटिन मास्क। तो ये जो है हमारा ये कैरेटिन ट्रीटमेंट है एक्चुअल में बालों के लिए। तो इससे जो है अगर आपके बाल दो मुँहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल रूखे हो गए हैं, तो ये बालों में जान डालने का काम करता है। तो अगर रिबॉन्डिंग से, स्मूदनिंग से बाल आपके डैमेज हो गए हैं, आप परेशान हैं बालों से, तो आप बालों में करेंगे कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट हम इसमें से क्रीम ले लेते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं थोड़ी सी क्रीम। अंदर से ये इस तरीके से वाइट कलर है और बहुत ही मतलब थोड़ा सा पतला होता है, जैसे रिबॉन्डिंग क्रीम होती है ना वो बहुत थिक होती है, तो ये पतला होता है। इस तरीके से हमने इसे ले लिया है और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप इसको ऐसे थोड़ा सा ब्रश से मिक्स कर लेंगे और आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसे लेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा निकल गया तो बाद में यूज़ नहीं होगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहे दो बार या तीन बार ले लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, ब्रश से आपको क्रीम लेनी है और इस तरीके से आपको क्रीम अप्लाई करनी है कैरेटिन बालों में। अगर ये आपके जड़ों में भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि ये आपके बालों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि आपके बालों को ये प्रोटीन पहुंचाती है। मतलब एक तरीके से जो है ये आपके बालों का पेट भरती है, जो उनमें प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करती है। डैंड्रफ है तभी भी, बाल दो मुँहे हैं तभी भी, और बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तभी भी, तो हर सिचुएशन में ये बालों को आपको प्रोटीन पहुँचाएगा। बालों में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से दो उंगली बना के क्रेंची ऐसे, और आप इसको ऐसे अच्छे से बालों में लगाएंगे ताकि एक एक बाल में आपके ये लग जाए। और बालों को कॉम से हल्का हल्का इसे स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद अब और पार्टीशन लेनी है। थोड़े थोड़े बालों में लगाने से ये होगा, आप इसे ज़्यादा बालों में भी लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बाल लेके भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े थोड़े बालों में लेके हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये अच्छे से लग जाए एक एक बाल में। इस तरीके से लगाते जाएंगे और हाथ से ऐसे पूरा नीचे तक बालों में अच्छे से फैलाएंगे। ध्यान रहे नीचे बिल्कुल एंड तक आपको बालों में बहुत अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है और बिल्कुल ऊपर तक लगाना है, यहाँ से लेके स्टार्ट करना है और यहाँ तक अच्छे से लगाना है, और बाद में हल्का सा कॉम करके आपको इसे ऐसे नीचे लगा देना है। बाल जो है फ्रेंड्स हमने बिल्कुल नहीं सुखाए थे, 100% बाल हमने नहीं सुखाए थे, सिर्फ इतने सुखाए थे कि बालों में से पानी ना गिरे, पानी ना टपके, बस उतना हमने लगाया है। उसके बाद ऐसे बाल लेके और सारे बालों में ऐसे ही हम हमारा जो कैरेटिन ट्रीटमेंट की ये जो क्रीम है इसे अप्लाई कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा जो है पूरा अच्छे से कैरेटिन बालों में अप्लाई हो चुका है, और अब हल्की सी बालों में हम मसाज करेंगे 5 मिनट, और इसके बाद 15 to 20 मिनट के इसे रखने के बाद बालों में हम करेंगे हेड वॉश। तो पहले हम मसाज स्टार्ट। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही हल्के हाथों से
बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है बालों में, इस तरीके से जस्ट फिंगर को ऐसे राउंड राउंड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। 5 मिनट इस तरीके से हम मसाज करेंगे बालों में, और उसके बाद फिर इसको बालों में 15 से 20 मिनट हम रखेंगे, और उसके बाद हमें करना है हेड वॉश। ये फ्रेंड्स हमारे 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं हेड वॉश। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम बालों में ऐसे हल्के हल्के से मसाज कर लेंगे, जिससे कि हमारी क्रीम जो सूख गई है थोड़ा सा वो मतलब फूल जाएगी, ऊपर आ जाएगी, जिससे कि हम आराम से हेड वॉश कर पाएंगे। तो हल्का सा ऐसे गीले करके फिर उसके बाद पूरा हमें हेड वॉश करना है, और इसमें हमें ना तो शैम्पू से हेड वॉश करना है ना ही कंडीशनर लगाना है, सिर्फ हमने जो ये कैरेटिन लगाया था इसको ही हम वॉश करेंगे। अब ये इसमें हम थोड़ा सा अपना ये मैट्रिक्स का जो हेयर मास्क है वो अप्लाई करेंगे पूरे बालों में, ऐसे लेके अच्छे से आप इसको लगा देंगे यही गीले बालों में, और 5 मिनट हम इसको रख के और उसके बाद हेड वॉश कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए पूरे में अच्छे से बालों में, और उसके बाद फिर करेंगे हेड वॉश। ये पैक लगाए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं, अब हम हेड वॉश कर रहे हैं। ये हमारा हेड वॉश हो चुका है, और हल्का सा हम टॉवल से सुखा लेंगे बालों को, जितना आप टॉवल से ड्राई कर सकते हैं उतना टॉवल से ड्राई कर लीजिए हल्के हाथ से, और इसके बाद ड्रायर की ठंडी हवा से फिर हम बालों को सुखाएंगे पूरा अच्छे से 100%। ये हम ड्रायर की ठंडी हवा से बालों को सुखा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एकदम से गर्म हवा नहीं देनी है, स्टार्टिंग में आपको ठंडी हवा से बाल सुखाने हैं, लेकिन बाद में जो है आप गर्म हवा से बाल सुखा सकते हो। तो थोड़ा सा पहले हम ठंडे ड्रायर से सुखा लेते हैं, तो उसके बाद गर्म ड्रायर से फिर हम सुखाएंगे गर्म हवा से बालों को। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हेड वॉश हमने कर लिया है, उसके बाद बालों को हमने सिर्फ ड्रायर से सुखाया है, तो बालों में प्रेसिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी एक हल्के से टचअप के लिए हम बालों में बहुत लाइटली प्रेसिंग करेंगे। बट आप ये देख सकते हैं कि बाल लग रहे हैं एकदम बिल्कुल बढ़िया, जैसे रिबॉन्डिंग के बाद लगते हैं उस तरीके से, बिल्कुल शाइनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिंग करना। ये हम बालों में प्रेसिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बाल इनके बिल्कुल भी प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन हल्का सा कर देते हैं। तो ये आप देखिए काफ़ी सारे बाल मैंने लिए हैं, बहुत थिक लेयर ली है मैंने, और उसके ऊपर ऐसे जस्ट हल्का सा आपको टचअप करना है, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो बस 3 पार्ट में हम वन साइड की प्रेसिंग जो है वो ख़त्म कर देंगे, ऐसे बस ऐसे ही सारे बालों में फटाफट फटाफट हमें प्रेसिंग कर देनी है। ये आप देखिए हमारा जो कैरेटिन का प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है, और हल्का सा इनके बालों को नीचे से हम ट्रिम करेंगे, जो अनइवन से बाल हैं उनको थोड़ा सा कट कर देंगे हम। तो ये आप देखिए यहाँ से बालों को हल्का सा हम कट कर देंगे, तो जो बहुत ज़्यादा डैमेज बाल थे, बहुत ज़्यादा दो मुँहे बाल थे, उनको अच्छे से हमने कट कर दिया है। अब जो है बालों की फ्रेंड्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बाल बढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से, क्योंकि जो नीचे दो मुँहे बाल हो जाते हैं ना वो हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं, तो बाल अच्छे से बढ़ते नहीं हैं हमारे, रुक जाते हैं। तो ये जो हमने हेयर कट कर दिया है इसके बाद, और जो कैरेटिन किया है, तो बाल अब अच्छे से ग्रो भी करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। तो ये आप देखिए अब इनके बाल। तो ये था आज का मेरा वीडियो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।